आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आज हम जो देख रहे हैं अपना जो टॉपिक है वो चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक के बाद आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज अपन लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है आपके पास एक समान गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो समरूप आवेश कोई गोलीय कोष है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई चालक गोला है क्या है आपके पास कोई चालक गोला है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी निकाल सकते हो ठीक है तो आपके जो एनसीआर की बुक में टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है, है आपको एक समान गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र यानी क्या है आपके पास कोई एक गोलीय खोल है क्या है आपके पास एक गोलीय कोष मान लो या गोलीय खोल मान लो सब एक ही है तो यदि गोलीय कोष मानते हैं या गोलीय खोल मानते हैं उस पर क्या होता है आवेश समान रूप से वितरित रहता है और उसके कारण हमें क्या निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं कोई भी एक टॉपिक आप ध्यान में रखो देखो ये सब एक ही है एक समान गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो या फिर आप ऐसे लिखो समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो तो मैं अभी एक टॉपिक ही यहाँ पे रखता हूँ है सब एक ही ठीक है अब मैं बात करता हूँ इसके डेरिवेशन की तो डेरिवेशन कैसे होगा क्या इसके होगा टर्म वो देखते हैं तो देखो बात करते हैं अपन एक समान गोलीय खोल तो सबसे पहले तो मुझे क्या मानना है कि कोई गोलीय कोष मानना है क्या मानना है मुझे कोई गोलीय खोल मानना है या कोई गोलीय कोष मानना है तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये आपका क्या है कोई गोलीय कोस है या गोलीय खोल है तो ये किस इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास कैपिटल आर है कितनी आपके पास कैपिटल आर क्या मान लिया मैंने कि ये गोलीय कोष है क्या है ये एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आ है और इस पर क्या है इसका जो प्रश्न है उस पर समान रूप से आवेश वितरित है क्या है समान रूप से आवेश वितरित है तो मान लिया कि मैंने यहाँ पे क्या है समान रूप से आवेश वितरित है नहीं कितना आवेश है क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है क्या है क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या आपका आवेश है वो समान रूप से वितरित है तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ माना कि एक गोलीय कोष है माना कि एक गोलीय खोल है माना कि ये गोलीय खोल सी लिख सकते हो कोष लिख सकते हो गोला लिख सकते हो गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है जिसकी त्रिज्या आपके पास क्या है कैपिटल आर अब यदि मैं कहता हूँ कि इस पर आवेश क्या है समान रूप से वितरित है इसके पृष्ठ पर इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से इसके पृष्ठ पर आवेश Q ब्रैकेट में लिख लेता हूं आवेश Q है वो समान रूप से वितरित है वो क्या है आपके पास समान रूप से वितरित है समान रूप से वितरित है तो इसका प्रश्न घनत्व कितना होगा तो आप जानते हो कि इसके कारण जो प्रष्ट घनत्व होगा वो कितना होगा आपका सिग्मा होगा कितना होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अब ये कितना होगा सिग्मा इज तो क्या होगा आपके पास देखो सिग्मा इज तो क्या होगा क्यू आवेश है आपके पास कुल आवेश क्या हो गया क्यू यानी क्यू आवेश है वो समान रूप से क्या यहाँ पे वितरित है और इसके नीचे क्या आता है आपका एस आता है या ए आता है यानी क्या आता है इसका क्षेत्रफल आता है या एस आता है या ए आता है तो मैं कह सकता हूं कि ये एस क्या इसका क्षेत्रफल है किसका गोलीय खोल का किसका गोलीय खोल का तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो क्या माना सबसे पहले कि मैंने कोई गोलीय कोर्स माना जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल है इसका केंद्र बिंदु रहा है ओ है इसका केंद्र बिंदु क्या है आपका ओ है और इसके जो प्रश्न पर आवेश वितरित है वो कौन सा आवेश है समान रूप से आवेश वितरित है वो आवेश है आपका क्यू पॉजिटिव आवेश है यदि आपके पास पॉजिटिव आवेश है तो आप जानते हो कि उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी बहिर्मुखी यानी बाहर जाते हुए होगी यदि माइनस आवेश होता तो क्या होती अंदर आते हुए होती क्लियर तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है आपके पास सरफेस है तो इसका जो प्रश्न आवेश सिग्मा टू क्या होगा क्यू बाई एस अब ये क्या है आपके पास कोई गोलीय कोष है और आप जानते हो कि गोलीय कोष का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो गोलीय कोष या गोलीय खोल का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपके पास गोलीय खोल का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपके पास फोर पाई आर स्क्वायर यानी ये एस की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर क्लियर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यूब बाय फोर पाई आर स्क्वायर इसको मैं नंबर दे देता हूँ एक क्या मैं यहाँ से क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो देखो मैं यहाँ से क्यू भी लिख सकता हूँ तो क्यू इज इक्ल टू क्या आ जाएगा सिग्मा और फोर पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा सिग्मा और फोर पाई आर स्क्वायर इसको मैं नंबर दे देता हूँ दो क्लियर या फिर आप इसको एक ही दे दो ठीक है अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको एक ही दे दो ठीक है तो आपको ये तो समझ में आ गया जो इसका कंसेप्ट था अब मैं क्या करूंगा इसमें जैसे अपन ने कोई अनंत रेखीय आवेश निकाला था कोई अचालक परत निकाली थी कोई चालक परत निकाली थी तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितने कितने केस लिए थे तीन केस लिए थे तो आपके सेम यहां भी तीन केस बनेंगे कैसे तीन केस क्यों? कौन कौन से बनेंगे उसकी बात करते हैं यदि मैं मान लू यहां पे यह आपका कोई गोली खोल है यहाँ से कोई स्मॉल हार्ट त्रिज्या की दूरी पर मैं एक बिंदु पी ले लेता हूँ यानी जो स्मॉल हार्ट त्रिज्या है वो कैपिटल आर से क्या होगी बड़ी होगी तो मैं फर्स्ट केस कौन सा लूंगा फर्स्ट केस

वो निकालूंगा क्लियर तो इस टाइप से आपके इसमें भी तीन केस बनेंगे तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ कि गोलियो खोल में कितने केस बन रहे हैं यहाँ पे तीन केस बन रहे हैं एक गोले के बाहर बनेगा एक गोले के पृष्ठ पर बनेगा और एक गोले के अंदर बनेगा तो ये तीन केस अपन डिस्कस करेंगे तो एक बार आप ये डायग्राम बनाइए इसका लिखिए फिर अपन एक एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले आप ये लिख दीजिए और इसका, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसको लिख दीजिए लिख दिया हो गया लिख दिया हो तो अपन आगे बढ़ती है तो अब देखो अपन क्या करते हैं, ये हो गया आपके पास गोलिया खोल अब मैं फर्स्ट केस लेता हूं फर्स्ट केस कौन सा लेता हूं इसी के अंदर मैं फर्स्ट केस लेता हूं इसका फर्स्ट केस क्या है आपके पास फर्स्ट केस ये है आपके पास कि जब बिंदु P जब बिंदु P गोलीय खोल गोलीय खोल के, गोली के बाहर स्थित हो गोली कोष्ट लिख सकते हो खोल लिख सकते हो गोली खोल के बाहर स्थित हो क्या हो बाहर स्थित हो ठीक है जब ये गोली खोल के बाहर स्थित होगा तो अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी कुछ थ्योरी बनाऊंगा थ्योरी में क्या मान लिया कि जब बिंदु पी क्या मानना है अपन को गोले से बाहर मानना है क्या मानना है गोले से बाहर तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल आ त्रिज्या का कोई को डिस्टेंस पे बिंदु पी ले लेता हूँ क्या ले लेता हूं स्मॉल आ त्रिज्या के डिस्टेंस पे क्या ले लेता हूँ बिंदु पी ले लेता हूँ यहाँ पे मैं एक क्या मान लेता हूँ एक अल्पांस भी मान लेता हूँ यहाँ पे मैं एक अल्पांश भी मान लेता हूँ वो अल्पांस क्या मान लेता हूं एस तो बताओ मुझे ये बताओ इस बताऊांश की दिशा क्या होगी देखो यदि अल्पांस ऐसे है, आपके पास यदि अल्पांस ऐसे है, तो इसकी दिशा क्या होगी इसके बाहर जाते हुए परपेंडिकुलर तो इसका जो डी एस की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी आपकी ये वही होगी और मैं यदि कहू कि ई वैक्टर की दिशा होगी वो भी क्या होगी आपकी यही होगी क्योंकि ये आवेश कौन सा है प्लस है प्लस आवेश है तो ये भी बाहर जाते हुए होगी इसका मतलब ई की दिशा भी क्या होगी आपकी क्लियर तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखो यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ एक गाँव तो से प्रश्न मानता हूँ क्या मानता हूं एक गांव से प्रश्न मानता हूँ तो गाँव से प्रश्न कहाँ से कहां तक बनेगा ये गाँव से प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि एक स्मॉल आर्थ त्रिज्या का बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए गाँव से की कल्पना करते हैं क्या करते हैं गाँव से की कल्पना करते हैं ठीक है ये क्या मान लिया मैंने एक से पृष्ठ मान लिया तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है तो आप डायग्राम बनाओ जब सही से बना लेना तो यहां पे क्या है जब बिंदु पी गोली खोल के बाहर स्थित हो तो अपन इसमें क्या लिखते हैं कि इसमें बिंदु ओ को बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गांव पृष्ठ की कल्पना करते हैं गोलाकार गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं क्या करते हैं कल्पना करते हैं और यहां पर एक कल्पांश मानते हैं और यहां पर एक कल्पांश मानते हैं यहां पर एक कल्पांश यहां पर एक अल्पांश मानते हैं, जो क्या है आपका डी एस है ठीक है एक अल्पांश मानते हैं, क्लियर अब देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित इस है इसका मतलब ये दूरी कितनी है आपकी O बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है आ, हाँ। तो ये R क्या है इस कैपिटल R से बड़ा है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बना के केस भी लिख सकते हो कि जो आर है वो कैपिटल आर से क्या है आपका बड़ा है यानी मैं कह सकता हूं कि जो स्मॉल आर दूरी है वो क्या है कैपिटल आर से बड़ी है क्लियर तो ये वाला केस आप ले रहे हैं फर्स्ट केस कि जब आपके पास कोई बिंदु पी बार है गोली खोल के तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा तो वो अपन यहाँ पे निकालेंगे तो क्या माना कि सबसे पहले मैंने बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए आर दूरी पर क्या मान लिया मैंने बिंदु पी मान लिया तो देखो बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या के गोलाकार गौ से प्रश्न की कल्पना करते हैं तथा गोलिय खोल के बाहर गोलिये खोल के बाहर गोलिये खोल के बाहर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है क्लियर तो जब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे अपन गाउस नियम की क्या लेंगे गाउस नियम को उपयोग में लेंगे गाउस नियम की एप्लीकेशन लेंगे देखो गाउस नियम क्या कहता है गाउस नियम से तो क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके पढ़ आप पड़, पड़, हो फाइव क्या होता है आपके पास ई वैक्टर डॉट का डी एस वैक्टर यही होता है आपके पास तो इस फाइव की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई वैक्टर डॉट क्या लिखूंगा डी एस वेक्टर इज इक्वल टू देखो सिग्मा क्यू तो सिग्मा क्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा क्यू की जगह क्या है आपके पास क्यू 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 क्या है? समान रूप से आवेश वितरित है तो ये क्या हो जाएगा क्यू ओपन में नॉट क्या हो जाएगा आपके पास क्यू ओपन में नॉट तो ये गाँव से नियम था यहाँ पे FI जानते हो क्या होता है इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ई डी एस अब यहाँ पे मुझे ये बताऊं जब ई e और डी एस की दिशा क्या है यहाँ पे देखो E और डी एस की दिशा क्या है समान है और जब E और डी एस की दिशा समान है तो यहाँ पे ठीठा कितना होगा जीरो डिग्री तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ देखो ये इसको तो आप यहाँ पे लिख लो कि सिग्मा क्यूज टू क्या क्यू फिर मैं क्या लिखता हूं कि जब ई वैक्टर व डीएस की दिशा समान है क्या है दिशा समान है जब दिशा समान है आपके पास तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जब दिशा समान है इसका मतलब क्या जाएगा ईडी स क्या आ जाएगा आपका जीरो डिग्री और यहां पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यूपर में नॉट यही आएगा आपके पास अब यदि मैं का मान कितना होता है आप जानते हो का मान कितना होता है वन होता है कितना होता है कॉस जीरो का मान कितना होता है आपके पास वन होता है तो ये क्या आ जाएगा ई वेक्टर और सरफेस इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यूपर में एफसेलन नॉट क्या आ जाएगा एफसेलन नॉट अब ये आप लिखिए इसके बाद देखो यहाँ पे जो डी एस है डी एस क्या आ जाएगा डी एस क्या बता रहा है क्षेत्रफल बता रहा है क्या बता रहा है डी

लिख दिया होगा लिख दिया तो चले आगे नेक्स्ट लिख दिया तो देखो अब अपन बात करते हैं इसके आगे की आपने नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से लिख लेना ठीक है कहीं नहीं जाएगा ये और ये वीडियो आपके यूट्यूब पर हमेशा के लिए अवेलेबल है तो आप आराम से इसको देख भी सकते हो एक बार दो बार जितना मन हो उतनी बार ठीक है समझ में नहीं आए तो एक वीडियो को आप दो से ज्यादा बार भी देख सकते हो तो देखो ये क्या हो गया आपके पास ई इंटीग्रल डी एस अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो गाँव पृष्ठ होता है तो गाउसी पृष्ठ के लिए गौसीय पृष्ठ कैसा है आपका एक गोला ही तो है गाँव पृष्ठ के लिए जो इंटीग्रल डी एस आएगा क्या आएगा इंटीग्रल एस है वो डी एस आएगा ये क्या होगा आपके पास फोर पाई आर स्क्वायर क्यों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपन किसके लिए निकाल दें इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें और यहाँ पे निकालने के लिए मैंने क्या माना है एक त्रिज्या का गौसीय पृष्ठ माना है तो गौसी पृष्ठ माना है तो यहाँ पे जो डी एस होगा वो क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा देखो मैं इसको नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर तीन तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा समीकरण तीन से तीन से क्या आ जाएगा आपके पास ई वैक्टर डी एस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू ओपन में एफ्स एलन नॉट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा यदि मैं यहाँ पे ई e निकालू तो ई e क्या आ जाएगा देखो ये पूरा नीचे जाएगा तो वन अपॉन में फोर पाई आर स्क्वायर और ये क्या बचेगा जाएगा क्यू ओपन में एफसेलन नॉट यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो एफसेलन नॉट को आगे ला लू तो फोर पाई एफसेलन नॉट और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू ओपन में आर स्क्वायर यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा यदि मैं इसको क्या लिखूंगा सदिश रूप में लिखूंगा तो जो ई e वेक्टर आएगा वो क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट और क्यू बाय क्या आ जाएगा आर स्क्र और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर कैप क्लियर तो ये इसका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यानी क्या आएगा एक तरह से कह सकता हूँ कि ये क्या है आपका के क्यू बाय क्या है आर स्क्वायर है क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर है अब आप जानते हो कि अपन ने समीकरण नंबर एक में क्यू के मान भी निकाला था क्या निकाला था क्यू का मान भी निकाला था वहां पर यदि मैंने समीकरण एक दिया तो इसको दे दो दे देना ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा समीकरण दो से ठीक है तो ये क्या आ जाएगा ई e वेक्टर तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे क्या करता हूँ आप जानते हो क्या जानते हो कि समीकरण एक से जानता हूं मैं समीकरण एक से क्या जानता हूं कि जो क्यू आता है वो क्या आता है सिग्मा अपॉन में फोर पाई क्या आता है आर स्क्वायर आता है यही आया था क्योंकि ये कैपिटल आर क्यों था क्योंकि अपन ने किसके लिए लिखा था इस गोलीय खोल के लिए लिखा था किसके लिए लिखा था गोलीय खोल के लिए बट यहाँ पे क्या आया आपका स्मॉल आर आया ठीक है तो इतना सा ध्यान रखना तो ये क्या हो जाएगा देखो आपके पास यदि मैं ई e वेक्टर निकालता हूं तो ई e क्या हो जाएगा आपके पास वन अपॉन में फोर पाई एफसेलन नॉट क्यू की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा और फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर तो देखो इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो तो आप तो देखो एक तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बचेगा आपके पास ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एफसेलन नॉट और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर क्लियर तो ये भी क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ठीक है तो यदि सिग्मा के फॉर्म में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो, तो ये आएगा यदि इसके फॉर्म में निकालना है के, के फॉर्म में निकालना है तो आपका ये आ जाएगा क्लियर तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकला अब मुझे ये बताइए कि जो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी बार की ओर होगी क्या होगी बार की ओर क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा है वो भी प्लस में है क्योंकि सिग्मा का सिग्मा किस पर डिपेंड करा है क्यू पर और क्यू भी क्या है आपका प्लस आवेश है तो यहाँ पे यदि प्लस आवेश है तो इसकी दिशा भी क्या होगी बार आते हुए होगी यानी बहिर्मुखी होगी यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी क्या होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा

गोलिये खोल के खोल के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर बाहर स्थित किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने बाहर की ओर निकाला अब तो ये तो अपन ने कौन सा केस लिया अभी फर्स्ट केस लिया है जो बिंदु पी क्या है आपके पास गोली खोल के बाहर स्थित है अब मैं दूसरा केस लूंगा कि ये जो बिंदु पी है वो क्या इसके सरफेस पर यानी इसके पृष्ठ पर स्थित है तो देखो पृष्ठ पर स्थित होगा तो चेंज क्या होगा चेंज कुछ नहीं होगा जो अपन ने किया सेम टू सेम ही रहेगा चेंज केवल ये होगा कि जो यहाँ पे ये आर स्क्वायर आ रहा था इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल आर क्यों क्योंकि आप क्या निकालोगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे क्या निकालोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो देखो यहां जो फोर पाई आर स्क्वार उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका कैपिटल आर आ क्या जाएगा क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा तो एक बार इसको लिखिए फिर मैं दूसरा केस भी करवाता हूं यदि आपको लगता है कि लिखने में हमारे इतनी जल्दी नहीं लिख सकते तो आप इसका स्क्रीन ले लो फिर आराम से लिख लेना ठीक है चले आगे आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपन आते हैं सेकेंड केस पे, तो सेकेंड केस क्या कहता है कि जब बिंदु गोलीय खोल के प्रश्न पर स्थित हो तो अपन यहाँ से सेकंड केस पर आते हैं क्या आते हैं सेकंड केस पर आते हैं तो सेकंड केस क्या कहता है देखो उसकी बात करते हैं सेकेंड केस क्या आता है उसकी बात करते हैं तो देखो सेकेंड केस की बात करते हैं तो सेकेंड केस क्या आएगा आपके पास सेकेंड केस आएगा यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ सेकेंड केस जब बिंदु पी गोलिया खोल के पृष्ठ पर स्थित हो क्या हो जब बिंदु पी गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित हो अब यदि पृष्ठ पर स्थित होगा तो इसका डायग्राम बताओ जल्दी से क्या होगा अब इसका जो डायग्राम है वो बाहर ना होकर कहाँ हो जाएगा अंदर की ओर यानी ये डायग्राम में क्या चेंजेस हो जाएगा कि जो मैंने बिंदु पी बाहर लिया था अब उसके क्या आ जाएगा पृष्ठ पे आ जाएगा यानी ये क्या था आपके पास कोई खोल था कोई ये क्या था आपका कोई खोल था ये इसकी त्रिज्या कितनी थी आपके पास कैपिटल आर थी अब मैं यहाँ पे सॉरी कितनी थी कैपिटल आर थी यहाँ पे मैं बिंदु पी ले रहा हूं यहां पे मैं क्या ले रहा हूं बिंदु पी ले रहा हूँ क्या ले रहा हूं बिंदु पी ले रहा हूं तो वो मैंने कितनी त्रिज्या का लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर त्रिज्या का लिया था क्या लिया था स्मॉल आर त्रिज्या का लिया था तो मान लो कि ये मैं स्मॉल आर त्रिज्या का लेता हूँ बट आप मुझे ये बताइए यदि मैंने बिंदु पी ले लिया क्या तो ले लिया स्मॉल आर त्रिज्या यानी यहाँ पे ये क्या है समान रूप से आवेश वितरित है इसके प्रश्न पर ठीक है वही गोलीय खोल है केवल जो बिंदु पी बाहर था अब वो कहाँ आ गया प्रश्न पर आ गया उसका मैं डीएस मानूंगा तो भी यही होगा यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के जो वेक्टर एंगल होगा वो भी क्या होगा आपका जीरो डिग्री होगा यानी जो अपन ने पीछे किया वो सेम टू सेम होगा चेंज क्या होगा चेंज ये होगा कि जब बिंदु पी गोलीय खोल के प्रश्न पर आ जाता है तो मुझे ये बताऊ कि ये वाली क्या है यदि मैं ओ से इस बिंदु की मानता हूँ तो ये क्या एक व्रत की त्रिज्या है गोलीय की त्रिज्या है और ये मानता हूं तो ये भी क्या है आपकी एक गोले की त्रिज्या है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा को जो स्मॉल आर वेक्टर है वो किसके बराबर होगा आपका कैपिटल वेक्टर वेक्टर के क्या होगा जो स्मॉल है या स्मॉल है वो किसके बराबर होगा अपना कैपिटल आर के बताओ यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि जो यहाँ पे यदि मैं प्रस्ट की बात करता हूँ तो प्रस्ट पर क्या होगा आपके पास जो R इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर होता है लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि जब बिंदु जब बिंदु P खोल की सतह पर होता है जब बिंदु P गोलीय खोल की सतह पर होता है सतह पर होता है तो उसके लिए तो उसके लिए तो उसके लिए R इज इक्वल टू आर होगा क्या होगा R इज इक्वल टू आर होगा तो देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइ एफ नॉट आया था अब यहाँ पे देखो R की जगह क्या लिखना है कैपिटल आर क्योंकि आर की जगह क्या, क्या करना है आपको कैपिटल आर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर यदि इसको सदीश रूप में लिखू क्या लिखू यदि इसको मैं सदीश रूप में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ एल एन ये क्या आ जाएगा Q है आर स्कोर और यहां पे क्या हो जाएगा ये कोई डायरेक्शन हो जाएगी तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी प्लस आवेश है तो बाहर जाते हुए यदि माइनस आवेश होता तो अंदर आते हुए यानी यहां पे लिख सकता हूं कि यहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी क्या होगी बाहर की ओर होगी और ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है ये भी किसकेमान है ये क्या है ठीक है ये क्या आपका स्क्वायर है ठीक तो किसके पासनल वन अपॉन आर के क्लियर यानी ये क्या है जो गोलीय खोल की त्रिज्या थी, उसके दूरी के वर्ग के या उसकी त्रिज्या के वर्ग के वित है तो मैं लिख सकता हूं अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की, की तीव्रता गोलीय खोल के त्रिज्या के गोलीय खोल की त्रिज्या के गोलिय खोल की त्रिज्या के, त्रिज्या के, त्रिज्या के वर्ग के वित है वर्ग के क्या है वित्रमानुपाती है वर्ग के वित है क्लियर हो गया तो ये आपका हो गया जब बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित होता है तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या आता है तो ये मैंने लिख लिया ये तो पहले का ठीक है, है तो इसको भी आप लिख लीजिए फिर अपन लेते हैं इसका थर्ड केस जो क्या लेते हैं जो बिंदु P है वो गोली कोस के कहाँ होगा अंदर होगा तो वो अपन लेंगे थर्ड केस तो पहले इसको लिखिए आप लिख लीजिए इसको या स्क्रीन ले लीजिए फिर मैं आता हूं थर्ड केस पर तो थर्ड केस क्या कहता है कि जब बिंदु पी है वो गोलीय कोस के कहाँ है अंदर स्थित है उसके लिए वापस क्या बनेगा अलग से डायग्राम बनेगा तो उसको समझो एक बार तो थर्ड केस क्या बनेगा जब बिंदु पी गोलीय खोल के अंदर स्थित हो क्या हो थर्ड केस बनेगा यहाँ पे थर्ड केस बनेगा कि जब बिंदु पी गोलीय खोल के अंदर स्थित हो क्या हो अंदर स्थित हो ठीक है तो ये आपका क्या था कोई गोलीय खोल था तो यह मैंने मान लिया कोई गोलीय खोल मान लिया ठीक है इस पर आवेश कितना था आपका प्लस आवेश था तो प्लस क्यू आवेश था वो जो समान रूप से क्या है आपका वितरित है क्लियर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश वितरित है अब मैं क्या मानता हूँ इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी आपकी कैपिटल आर तो इस गोलीय खोल की त्रिज्या कितनी थी आपकी कैपिटल आर कितनी थी आपकी गोलीय खोल की त्रिज्या कितनी थी आपकी कैपिटल आर यदि गोलीय खोल की त्रिज्या कैपिटल आती थी अब मैं बिंदु पी को क्या मान रहा हूँ इस गोलीय खोल के अंदर मान रहा हूं तो मान लिया कि कोई आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर ये मेरा क्या है बिंदु P है जिसकी दूरी कितनी स्मॉल R है कितनी है स्मॉल R रहा है यह आपका क्या है सेंटर पॉइंट है तो जो बिंदु P है यानी मैं स्मॉल R त्रिज्या को मानते हुए एक क्या मनाता हूँ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूँ क्या करता हूँ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूँ तो देखो ये मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर देता हूँ स्मॉल आर्ट त्रिज्या की क्लियर तो ये क्या हो गया आपका देखो ये गोला वैसे एक जैसा बनना चाहिए सबका इस टाइप से ठीक है तो ये मैंने क्या बना लिया कोई गांव से प्रश्न बना लिया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माना कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माना कि माना कि ओ को केंद्र मानते हुए ओ को माना कि बिंदु पी ऐसे लिख लेता हूँ माना कि बिंदु पी बिंदु पी गोले खोल के अंदर स्थित है गोलीय खोल के गोलीय खोल के अंदर स्थित है अंदर स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है जहां पर हमें जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है ठीक है तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या माना मैंने गाउसी पृष्ठ माना है तो मैंने ओ से स्मॉल आर दूरी पर ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P को केंद्र मानते हुए बिंदु P को या O से स्मॉल दूरी पर बिंदु स्मॉल आर ऐसे ले लो O से स्मॉल त्रिज्या पर त्रिज्या मानते हुए त्रिज्या मानते हुए एक गाउसीय पृष्ठ एक गोलाकार एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की एक गोलाकार गांव पृष्ठ की क्या करते हैं कल्पना करते हैं क्या करते हैं गांव गोलाकार पृष्ठ की क्या करते हैं कल्पना करते हैं तो मैंने कल्पना कर ली ये आपका क्या मान लिया गांव पृष्ठ मान लिया अब यहाँ भी क्या आएगा आपका गाउस का नियम लगेगा तो देखो गाउस का नियम क्या कहता है तो यहाँ पे क्या माना कि ओ से आ त्रिज्या मानते हैं आ त्रिज्या मानते हुए एक गोलाकार गांव से प्रश्न की कल्पना करते हैं ठीक है अब इसका जो केस है वो क्या है आर है वो क्या होगा कैपिटल आर से क्या होगा छोटा होगा क्या होगा कैपिटल आर से छोटा होगा जब अपन ने फर्स्ट केस लिया था बिंदु पी बार लिया था इसका मतलब स्मॉल आर क्या था कैपिटल आर से बड़ा था सेकंड केस लिया पृष्ठ पर यानी आर इज इक्वल टू क्या था कैपिटल आर अब थर्ड केस क्या है इसके अंदर है इसका मतलब जो स्मॉल आर होगा कैपिटल आर से क्या होगा छोटा होगा जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है ठीक है अब मैं यहाँ पे मानता हूं गांव नियम से तो गाउस के नियम से क्या होगा देखो गाउस के नियम से होगा गाउस का नियम क्या कहता है इक्वल है? है, तो e क्या है? क्या है? आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कोई आवेश है क्या ये आपके पास जो गोलीय खोल है गोलीय कोस है या चालक गोला है इसके अंदर कोई आवेश स्थित है क्या आवेश स्थित नहीं है आवेश तो कहाँ इसके पृष्ठ पर है आवेश कहा इसके पृष्ठ पर है तो यदि आवेश इसके पृष्ठ पर है तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है यदि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा बताओ जल्दी से कितना होगा शून्य क्यों क्योंकि मैं लिख सकता हूं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आवेश गोलिये खोल के पृष्ठ पर स्थित है आवेश गोलीय खोल के गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित है गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित है अतः गोलीय खोल के अंदर आवेश शून्य होगा अतः गोलिये खोल के गोलीय खोल के अंदर आवेश कितना होगा शून्य होगा कितना होगा आवेश कितना होगा शून्य होगा क्लियर तो यहाँ पे देखो जब आवेश शून्य हो गया मतलब Q का मान यहाँ पे जीरो हो जाता है और जब यहाँ पे मैं कहता हूं कि जब Q का मान आपका क्या हो गया जीरो हो गया यहाँ पे क्या है Q का मान यदि आपके पास जीरो हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका जीरो क्या हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा जीरो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि अतः कोई गोली खोल के अंदर बिंदु पी स्थित है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा शून्य होगा तो यहाँ लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि क्योंकि जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है जब आवेश ही नहीं है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं क्योंकि आवेश कहाँ है वो तो बाहर है तो बाहर है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके प्रश्न पर होगा बट इसके अंदर नहीं है ठीक है तो अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि गोलीय खोल के अंदर बिंदु पी पर गोलीय खोल के अंदर बिंदु पी पर गोलीय खोल के अंदर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा विद्युत क्षेत्र कितना होगा शून्य होगा क्लियर तो ये आपको क्लियर हो गया तो फर्स्ट की जो फर्स्ट रिजल्ट था वो यदि बिंदु पी बाहर लिया तो क्या आया आपके पास के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर यदि प्रस्ट पर लिया तो क्या आया के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर यदि अंदर लेते तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य क्लियर तो आपके पास तीनों रिजल्ट आई अब इस तीनों रिजल्ट का क्या बनाएंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्राफ भी बनाएंगे तो एक बार आप इसको लिख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं लिख दिया मैं लिखा तो स्क्रीन ले लीजिए अब मैं क्या करता हूं इसके ग्राफ बनाता हूं तो जिसके तीन रिजल्ट आए तीनों रिजल्ट को देखते हुए मैं क्या बनाता हूं एक आलेख बनाता हूं क्या बनाता हूं आलेख बनाता हूं तो यहां पे आप फोर्थ पॉइंट लगाना हो तो लगा दो कि विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ आलेख क्या बना दो विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ आलेख तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थर्ड पॉइंट क्या लिखता हूं थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट सॉरी तीन तो हो गए तो विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का दूरी आर दूरी के साथ आलेख अब देखो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो यहां पे मैंने ले लिया क्या ई e. यहाँ पे मैंने क्या ले लिया ई e वेक्टर यहां पे क्या ले लिया ई e. और यहां पे मैंने ले लिया क्या स्मॉल आर क्या ले लिया स्मॉल आर अब मुझे ये बताओ यहां पे मैं एक प्रश्न बना लेता हूं आपके पास तीन केस आई यदि आपके पास ई बार की बात करें तो ई बार क्या आया आपके पास वन अपॉन फोर पाई एफ एल नॉट क्यू बाई स्मोल आर स्कोर यह आया था ई सतह पर क्या आया आपके पास ई सतह पर आया आपके पास वन अपॉन फोर पाई एफ एल नॉट और क्यूब है क्या आया कैपिटल आर स्को ठीक है और यदि E अंदर की बात करता हूँ तो E अंदर आपके पास कितना आया शून्य ये मेरे पास क्या आए तीनों रिजल्ट आए तीनों केस के तीनों रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए अब मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट केस क्या था आपका फर्स्ट केस के लिए क्या था जब आर था वो कैपिटल आर से बड़ा था यानी जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर से बड़ा था बिंदु पी कहाँ स्थित था बार स्थित था तो उसके लिए मैं एक सरफेस बना लेता हूँ सरफेस के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका कोई बना दिया मैंने सरफेस जो कितना है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है यानी इस कैपिटल आर और आर क्या ये बराबर है इस सरफेस पे तो यहाँ पे ये तीन भागों में डिवाइड हो गया देखो ये आर है वो क्या होगा स्मॉल आर से छोटा होगा और ये वाला आर है वो स्मॉल आर से क्या होगा आपका बड़ा होगा क्या होगा बड़ा होगा तो मुझे ये बताइए कि जहाँ पे जो क्या है आपके पास अब मैं ये केस मानता हूँ मान लिया कि मेरे वाला, कौन सा वाला, कितना आ रहा है जीरो तो यहाँ पे कोई ग्राफ बनेगा क्या नहीं बनेगा क्लियर तो यहाँ पे कोई आपका ग्राफ बने नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये क्या है ई इन की बात करेगा तो ई इन कितना होता है आपका जीरो होता है क्लियर फिर मैं बात करता तो हूँ इसके प्रश्न पर पर क्या आता है आपके पास ई सतह पर आता है ठीक है तो ये मैंने बना लिया एक सतह के लिए अब मैं बात करता हूँ इस है, बड़ा है किस पर डिपेंड कर रहा है जो इसका रिजल्ट है वो डिपेंड कर, कर रहा है वन अपॉन आर पे किस पर डिपेंड कर रहा है वन अपन आर तो इसका ग्राफ किस टाइप से आएगा इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा ठीक है तो क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है ई प्रोपोशनल वन अपन आर पे क्लियर तो ये क्या हो जाएगा इसका ग्राफ हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका दूरी और इलेक्ट्रिक फील्ड का आलेख क्या है कि कोई भी समरूप आवेश गोलीय कोल है या गोलीय कोष है तो उसके कारण जो आलेख होगा वो ये होगा क्लियर तो इन तीनों रिजल्ट को देखते हुए मैंने क्या बनाया है इसका ग्राफ बनाया है तो देखो ई आउटसाइड है यदि मैं एक बात करता हूँ ये क्या है आपका मैं लिख सकता हूँ ई क्या है आपका आउटसाइड है ई आउटसाइड है तो ये क्या आपका पर क्रमानुपाती है वन ओपन आर स्क्वायर की यदि ई सतह पर है तो व्यत है कैपिटल आर स्क्वायर की यदि ई अंदर की बात करता है तो ई अंदर कितना है आपका जीरो क्योंकि क्यों उसके अंदर आवेश कितना होता है जीरो ठीक है इसी के साथ अपना ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ जो आलेख है वो ये है क्लियर तो आपको पता लग गया तो अपन ने क्या क्या निकाला देखो गोले को उसमें जो यदि बाहर के रिजल्ट की बात करते हैं तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आया सतह पर बात की तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आया और अंदर बात की तो ई इन साइड कितना आया आपका जीरो आया ठीक ठीक है तो इसको बनाइए जल्दी से यहाँ पे यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि ये e है जो e बार है वो किस पर डिपेंड कर रहा है जो e बार है वो वित्त है वन अपॉन आर स्क्वायर के जो e सतह पर है वो किसके वित्त है वन अपॉन आर स्क्वायर के और जो e अंदर है वो क्या है आपका किसी के वित नहीं है क्वेश्स्टेंट है आपका जीरो क्लियर ठीक है तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ आलेख तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास तीन रिजल्ट आ गया इसका ग्राफ भी बना दिया अब देखो अब इसमें एक टॉपिक और है आपके पास देखो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है कंफ्यूजन क्या रहेगा यदि मैंने बात की गोलिये खोल के किसकी बात की गोलिये खोल की किसकी बात की गोली खोल की ठीक है यदि कोई समान रूप से आवेशित कोई खोल है तो ये मैंने क्या माना ये समान रूप से आवेशित क्या था आपके पास खोल था प्लस आवेश था और इसकी त्रिज्या कितनी थी आपके पास कैपिटल आर थी क्लियर अब दूसरा वर्ड मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ एक गोलीय कोष क्या लिखता हूँ मैं गोलीय कोष क्या लिखता हूँ गोलीय कोष क्या लिखता हूँ गोलीय कोष गोलीय कोष भी क्या है जो गोलीय खोल है यानी गोलीय कोष है वही क्या है आपका गोलीय खोल है इसको गोलीय कोष भी कहते हैं गोलीय खोल भी कहते हैं तो ये इसमें भी क्या होगा ये आर हो जाएगा ठीक है यदि वो कहता है कि आपके पास क्या है कोई चालक गोला है क्या है आपके पास कोई चालक गोला है यानी कोई एक वर्ड और आ जाए आपके पास कोई चालक गोला क्या आ जाए आपके पास कोई चालक गोला चालक गोला का मतलब क्या आया था मैंने एक चालक पट्टिका के बारे में भी, भी आपको लिखवाया था चालक पट्टिका के बारे में क्या लिखवाया था चालक पट्टिका कौन सी होती है कि जब इसमें किसी में इलेक्ट्रिक जब इसमें किसी में इसके अंदर आवेश को रख देता हूँ तो आवेश क्या हो जाता है वो अंदर न रहकर बाहर आ जाता है क्योंकि वो क्या है चालक लोग है चालक लोग है तो चालक लोग वो होते हैं तो वो किसी को पास आने नहीं देते वो सबको दूर ही भगाते हैं मैंने पहले भी बताया था तो यहाँ पे ये क्या आपका चालक गोला है तो चालक गोले में भी क्या होगा यदि आप इसके अंदर आवेश ला रखोगे तो वो भी क्या आ जाएगा इसके समान रूप से बाहर पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा क्या हो जाएगा पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि यदि आपके पास तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए कि गोलीय खोल के कारण विद्युत सेतन निकालो गोलीय कोष के कारण विद्युत सेतन निकालो या चालक गोले के कारण विद्युत सेतन निकालो तो आपको डेरिवेशन में क्या करना है जो अभी अपन ने आज जो डेरिवेशन किया इसी को करना है इन तीनों केस में ठीक है आपके एनसीआर बुक में क्या दे रखा है गोलीय खोल के नाम से दे रखा है जो पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती थी उसमें गोलीय कोष का भी दे रखा था और चालक गोला का भी दे रखा था दोनों डेरिवेशन कैसे थे ये सेम थे तो इसको आपको तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि गोलीय खोल है वो भी यही है गोलीय कोस है वो भी यही है और यदि चालक गोले की बात करें तो भी यही है एक यदि आपके पास आता है अचालक गोला क्या आता है समान रूप से आवेशित अचालक गोला अब जब अचालक गोला आएगा तो अचालक गोला आएगा वो आपके आगे आएगा तो अचालक गोले में क्या होगा कि उसके अंदर जो होगा, वो क्या होगा, समान से होगा. क्या होगा समान से हो जैसे होता था तो यहाँ पे क्या होगा इसमें गोले में भी आवेश समान रूप से वितरित होगा क्लियर तो आपको ध्यान रखना है खोल आ जाए गोलीय कोस आ जाए या चालक चालक गोला आ जाए इसके लिए आपको ई आउटसाइड क्या होगा के क्यू आर स्क्वायर ई इनसाइड क्या होगा जीरो और

तो अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उस क्लास में अपन क्या करेंगे एक तो इसके न्यूमेरिकल एक इसके जो बुक के पीछे के क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आंकिक प्रश्न है वो भी करेंगे तो मैं आपको देता हूँ इसके बाद ये आज वाली क्लास है इसके बाद मैं आपको देता हूँ दो दिन का टाइम तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके पीछे वाली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो जो आंकिक क्वेश्चन है वो एक बार करने की ट्राई जरूर करना नहीं कर आपको नहीं आते तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको इस क्लास के द्वारा तो आपकी वो भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए यूट्यूब चैनल पर भी ऐड करिए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपन ने बहुत स्लोली और आराम से इस चैप्टर को पढ़ाए इसी तरीके से अब अपन आगे के चैप्टर को भी पढ़ेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी है तो इसके बाद अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन करेंगे इसके चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल और सभी न्यूमेरिकल के साथ करेंगे अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है सभी अपन करने वाले हैं ठीक है तो एक बार आपके यदि कोई फ्रेंड सर्कल है कोई भी स्टूडेंट है कोई रिलेशन वाले हैं जो ट्वेल्थ क्लास में अभी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यदि नहीं पता तो आपको उनको इस क्लास के बारे में बता दीजिए कि अपना चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो गया है और अपन कुछ ही दिन में दो चार दिन में अपन चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट करेंगे एक बार इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे आंकिक प्रश्न कर लेंगे किताब के पीछे जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे उसके बाद अपन इसका चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए आपकी क्लास का जो फीडबैक है वो भी मुझे बताइए ठीक है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आंकिक प्रश्न के साथ आज के लिए इतना ही तो आप सभी को धन्यवाद yeah uh -huh.